आपातकाल के बाद वो भारतीय राजनीति के सबसे उथल पुथल भरे दौर की शुरुआत थी। 80 का दशक जाते जाते 90 के दशक को आमंत्रित कर रहा था। देश में एक तरफ कंप्यूटर टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में राजीव गांधी सरकार के महत्वपूर्ण सुधारों पर बात हो रही थी, तो दूसरी तरफ बोफोर्स कालाधन जैसे भ्रष्टाचार की छींटे उनके दामन को दागदार कर रही थी। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी खास सीरीज किस्सा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का में। आज के इस एपिसोड में हम आपको यूपी के एक ऐसे सीएम के बारे में बताएंगे जिनको उनके अपने ही फैसले ने बना दिया था स्वर्णों के लिए खलनायक, और ऐसा मुख्यमंत्री जिसने अमिताभ बच्चन को कटघरे में खड़ा कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह की। राजीव गांधी की नाक में दम करने का बेड़ा उन्हीं विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उठाया था जो कभी उनकी कैबिनेट में वित्त और रक्षा जैसे बड़े मंत्रालय संभाल चुके थे। वे राजीव के खास दोस्तों में हुआ करते थे, लेकिन बाद में ये दोस्ती विरोध में बदल गई और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और उन्हें समर्थन देने के लिए विचारधारा के दो विपरीत ध्रुवों पर खड़ी पार्टियां तैयार हो गईं। 80 के दशक के आखिरी सालों में राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है नारे के साथ विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के 8वें प्रधानमंत्री बने। बोफोर्स तोप दलाली के मुद्दे पर मंत्री पद को लात माराए वीपी सिंह भारतीय राजनीति के पटल पर नए मसीहा और क्लीन मैन की इमेज के साथ अवतरित हुए थे, लेकिन मंडल कमीशन की सिफारिशों को देश में लागू करते ही वीपी सिंह सवर्ण समुदाय की नजर में राजा नहीं रंक और देश का कलंक में तब्दील हो गए। वीपी सिंह ने एक जमींदार परिवार से निकलकर कांग्रेस की राजनीति में कदम रखा और यूपी के मुख्यमंत्री से होते हुए देश का वित्त मंत्री व रक्षा मंत्री बने। इसमें से उनका मुख्यमंत्री काल बागियों के खिलाफ अभियान के लिए जाना जाता है, जबकि वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने कॉरपोरेट करप्शन और रक्षा सौदा दलाली के खिलाफ सत्ता से विद्रोह करने का सियासी कदम उठाया। बोफोर्स और HDW पनडुब्बी रक्षा सौदों के दलाली को लेकर वीपी सिंह ने केंद्र की राजीव गांधी सरकार से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस से दूर हो गए। ना ही उनके पास कोई संगठन था और ना ही किसी विचारधारा का आलंबन, ऐसे में सिर्फ उनके पास साफ सुथरी व ईमानदार राजनेता की छवि थी जिसके सहारे देश राजनीति में वो धूमकेतु की तरह छा गए। बोफोर्स मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच गए और इस मुद्दे को केंद्र में रखकर लड़े गए। 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई और कम्युनिस्टों और बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म 25 जून 1931 उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में एक राजपूत जमींदार परिवार में हुआ था। वह राजा बहादुर राय गोपाल सिंह के पुत्र थे। ऐसे में वीपी सिंह प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सत्ता पर काबिज हुए तो भारत ही नहीं बल्कि नेपाल तक के राजपूत समाज ने खुशी में दीप जलाए थे। जश्न भी क्यों ना मनाएं? आजादी के बाद पहली बार कोई राजपूत समाज का नेता भारत का प्रधानमंत्री बना था। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मंडल कमीशन की सिफारिशों को देश में लागू कर दिया। वीपी सिंह के इस फैसले से आधी आबादी यानी ओबीसी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला, जिससे पिछड़े समुदाय की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक दशा बदल गई। वहीं दूसरी ओर इसी फैसले की वजह से सवर्ण समाज की नजर में वो विभाजनकारी व्यक्ति बन गए। मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने को लेकर सवर्ण समाज आक्रोशित हो गया। मंडल कमीशन के खिलाफ देश भर में आंदोलन शुरू हो गया। एक समय जो समाज वीपी सिंह को हीरो की तरह देख रहा था, वही समाज उन्हें खलनायक की तरह देखने लगा। उनका विरोध करने वाले मानते हैं कि उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया था। वीपी सिंह ने छात्र जीवन में ही सियासत में कदम रख दिया था। वीपी सिंह ने शुरुआती पढ़ाई के बाद 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उदय प्रताप कॉलेज में दाखिला ले लिया। ये वह समय था जब देश आजादी की खुशी मना रहा था और खुद को व्यवस्थित करने लगा हुआ था। वीपी सिंह ने छात्र राजनीति में कदम रखा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे और कॉलेज के दिनों में ही आंदोलन में कूद गए।
वीपी सिंह 2 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे और फिर केंद्र सरकार में मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। 31 दिसंबर 1984 को वीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बने। इस दौरान वीपी सिंह का टकराव प्रधानमंत्री राजीव गांधी से हो गया और उन्होंने कांग्रेस से अलग अपना सियासी रास्ता चुना। इतना ही नहीं, वीपी सिंह ने रतन टाटा तक से दुश्मनी मोल ले ली थी। बात यहां तक पहुंच गई थी कि रतन टाटा अपने पद से इस्तीफा देने वाले थे। हालांकि राजीव गांधी के कारण उन्हें अपना यह फैसला वापस लेना पड़ा था। विश्वनाथ प्रताप सिंह कहा करते थे कि सामाजिक परिवर्तन की जो मशाल उन्होंने जलाई है और उसके उजाले में जो आंधी उठी है उसका तार्किक अंत तक पहुंचना अभी बाकी है। अभी तो सेमीफाइनल भर हुआ है और हो सकता है कि फाइनल मेरे बाद हो, लेकिन अब कोई भी शक्ति उसका रास्ता नहीं रोक पाएगी। वीपी सिंह शुरुआत से ही नेतृत्व क्षमता के धनी रहे, जिसके दम पर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाकर पिछड़े और वंचित समाज को आरक्षण के दायरे में लाने का काम किया। वहीं 27 नवंबर 2008 को 77 वर्ष की आयु में वीपी सिंह का दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में निधन हो गया। खैर, आपको आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक और नए मुख्यमंत्री की नई कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।